क्लास टू सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर थ्री यूनिट थ्री एनिमल्स बच्चों हमने इससे पहले एनिमल्स का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था मैंने बताया था कि एनिमल्स में तमाम किस्म के जानवर शामिल होते हैं जो लैंड पे रहते हैं द एनिमल्स हु लिव इन वाटर द इंसेक्ट्स आर ऑल्सो एनिमल द बर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स दे ऑल आर एनिमल्स उसके बाद वी डिस्कस्ड हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं उनकी लिविंग हैबिट के हिसाब से कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं मुख्तु जगहों पर रहने से उनकी मुख्तलिफ़ काइंड होती हैं और उनकी ईटिंग हैबिट के हिसाब से भी एनिमल्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं जिसमें हमने हरबी वोर वोर और आमनी वोर को डिटेल में डिस्कस किया था आज हम यूनिट थ्री एनिमल्स का पेज नंबर ट्वेल्व पढ़ेंगे आई विल डू द रीडिंग एंड यू विल डू रीडिंग विद मी ओपन योर पेज आज हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे एंड वीडियोज़ और स्लाइड्स के ज़रिए इसको अच्छी तरह समझेंगे सो आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग और आप सब लोगों ने मेरे साथ मेरे पीछे पीछे रीडिंग पढ़नी है और ट्रांसलेशन करनी है ताकि आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए वट डू एनिमल्स ईट वट डू एनिमल्स ईट जानवर क्या खाते हैं सम एनिमल्स ईट प्लांट्स सम एनिमल्स ईट प्लांट्स कुछ जानवर पौधे खाते हैं They are herbivores. They are herbivores. Inko hum herbivores kehte hain. I told you before herbivores are those animals who eat only plants and plants related things like grass, leaves, flowers, etc. Deer and rabbits eat grass. डियर एंड रैबिट्स ईट ग्रास हिरन और खरगोश घास खाते हैं एंड अदर plants और दूसरे पौधे और दूसरे पौधे मोस्ट insects फीड ऑन लीव्स से आफ्टर मी मोस्ट इंसेक्ट्स फीड ऑन लीव्स ज्यादातर कीड़े मकौड़े या हश्रातुल अर्ज लीव्स पर पलते हैं और सक जूसेस फ्रॉम प्लांट्स और सक जूसेस फ्रॉम प्लांट्स और प्लांट्स के जूस चूसते हैं जैसे कि फ्लावर का जूस उसकी स्टेम का जूस लीव्स का जूस सो हर्बी वोड्स आर द एनिमल्स हर्बी वोर्ड्स आर एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स रिलेटेड थिंग आइए अब इसको हम वीडियो के थ्रू देखते हैं लेट्स हैव अ वीडियो ऑफ हर हर्बी वोड्स ओके स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सी हर्बी वोड्स एनिमल्स सी वॉट इज दिस दिस इज अ हॉर्स हॉर्स इज ईटिंग द ग्रास सो इट इज़ हर्बी वुड ये क्या आ गया शीप कुर्बानी पे आप लाते हैं ना शीप वो गोश्त तो नहीं देते उसको क्या देते हैं चारा देते हैं पत्ते देते हैं तो शीप इज़ अ हर्बी वुड हैव यू सीन एलिफेंट इन अलिफेंट ईट्स द ट्रंक ऑफ द लीवस ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्रीज सो एलिफेंट इज ऑल्सो हर्बी वुड ए ना इट्स अ काव काव हमें मिल्क देती है और चारा खाती है और घास फूस खाती है तो काव इज अ हर्बी animal एनिमल हमने रीडिंग में पढ़ा deer deer इज़ ऑल्सो a herbivore एनिमल और आपने डोंकी तो हर जगह देखा होगा डोंकी को क्या देते हैं donkey को हम चारा देते हैं पत्ते देते हैं प्लांट्स खाता है तो डियर इज अ हर्बी वोर एनिमल सो द is इज़ अ हर्बी वोर एनिमल एंड ईद की कुर्बानी से आपको गोट याद आएगी गोट इज़ ऑल्सो अर्बी वोन एनिमल सो ये थी तमाम हर्बी वोन एनिमल्स बट बच्चों याद रखिए कि हरबी वोर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं होते कुछ फिश भी हरबी वोर्स होती हैं बर्ड्स भी हरबी वोर्स होते हैं इंसेक्ट्स भी हरबी वोर्स होते हैं फिर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हाँ हम तो भूल ही गए कैंगू निकल गया कैंगू इज़ अ हर्बी वोर सो दबरा इज़ ऑल्सो हर्बी वोर सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इंसेक्ट्स को देखते हैं लुक एट दिस इंसेक्ट इसे हम शहद की मक्खी कहते हैं शहद की मक्खी मीन हनी बी वट हनी बी इज डूइंग ये सक कर रही है द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर ये फ्लावर का जूस पी रही है जूस चूस रही है सो बिकॉज द फ्लावर इज़ रिलेटेड टू द प्लांट सो वी से इट इज़ हर बी वो नाउ दिस इज बंबल बी द बाम्बल बी को उर्दू में भिड़ कहते हैं देखिए ये सेंटर ऑफ द फ्लावर बैठ कर उसका नेक्टर सक कर रही है एंड दिस इज बटरफ्लाई यू लाइक बटरफ्लाईज और आपको पता है बटरफ्लाई का फूड क्या होता है येस इट सिट्स ऑन अ फ्लावर टू फ्लावर आपने देखा है वो एक फूल पे बैठती है फिर दूसरे फूल पे जाती है दूसरे से तीसरे फूल पे जाती है क्यों जाती है वो उसका नेक्टर सक करने जाती है फ्लावर में जूस होता है मीठा उसे हम नेक्टर करते कहते हैं और द मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स सक्स द नेक्टर ऑफ अ फ्लावर टू फिल देयर टमी जिस तरह आप बगर खाते हैं ना अपनी टमी को फिल करने के लिए इस तरह ये अपनी टमी को फिल करने के लिए दे सक द जूस ऑफ द नेक्टर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही आपने इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है और अब आपको कोई भी पूछे तो यू मस्ट नो वाट आर हर भी वोट्स अल्लाह हाफिज़